नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, धोरण सात विषय हिंदी। आज आप आइडियल में अभ्यास करीशू। काव्य छे पांच, हिंद देश के निवासी। तो दरेक विद्यार्थी आइडियल अने पेन साथे राखे, आज आप लखीशू। विद्यार्थी मित्रों, पेज नंबर 26 कविता छे हिंद देश के निवासी, तेनो अर्थ आपेलो छे कवितानो। त्यार पछी प्रश्न नंबर एक छे के निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। पपी है कि खाली जगह प्यारी लगती है, चार ऑप्शन आपेला छे। छाती, कूक, टेर के चोंच, तो अहीं जवाब शुं आवशे? पपी है कि टेर प्यारी, तो अहीं जवाब आवशे सी। त्यार पछी बीजू जुओ, गा रही तराना खाली जग्या राग मगर एक है। गा रही तराना, तो अहीं शुं आवशे? गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है, एटले बीजामां शुं आवशे? डी जवाब आवशे। विविधता में एकता ही खाली जग्या, विविधता में एकता, तो हमारे देश की विविधता है, हमारे देश की विशेषता है, हमारे देश की नीति है, हमारे देश की पहचान है, तो अहीं जवाब शुं आवशे? आचार्यमांथी अहीं आपेलुं छे कि विविधता में एकता ही, तो अहीं जवाब आवशे हमारे देश की विशेषता है, बी जवाब आवशे। त्यार पछी सभी धर्म एक समान है क्योंकि उनका सार एक है, उनके भगवान एक है, धर्म नियम एक है, के जन्मस्थान एक है, कहीं जवाब आवशे? उनका सार एक है, ए जवाब आवशे। त्यार पछी रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, खाली जगह देश के निवासी सभी जन एक है, तो अहीं शुं जवाब आवशे? हिंद, तो अहीं आपणे जवाबमां लखीशुं हिंद। त्यार पछी बीजू छे कि प्यारे प्यारे फूल गूंथे खाली जग्या में एक है, तो अहीं जवाब आवशे माला। पंथ है निराले सबकी खाली जग्या तो एक है, तो अहीं जवाब शुं आवशे? कि पंथ है निराले सबकी, अहीं जवाब आवशे मंजिल। त्यार पछी पेज नंबर 27 पर सही वाक्य के सामने और गलत वाक्य के सामने का निशान लगाइए। इस कविता में गंगा नदी का उल्लेख नहीं किया गया, तो वाक्य क्या हो? तो अहीं शुं आवशे जवाब? कि इस कविता में गंगा नदी का उल्लेख नहीं किया गया है, तो अहीं आ वाक्य क्यों? गंगा नदी नो उल्लेख करवामां तो आवेलो छे, तो अहीं वाक्य आवशे, अहीं आवशे खोटू। हिंद देश के लोगों के रंग, ग्रुप, वेश, भाषा एक है, तो अहीं जवाब शुं आवशे? तो अहीं जवाब आवशे खोटू, कारण के हिंद देश में जेटला व्यक्तिओ लोको रहे छे एना रंग, रूप, वेश, भाषा अलग अलग छे, पण छतां तेओ एक छे, एटला माटे आ वाक्य केवो आवशे? खोटू। के हिंद देश के लोको के रंग, रूप, वेश, भाषा एक है, तो के ना, खोटू, अलग अलग छे। त्यार पछी एक दो वाक्य में उत्तर लिखिए। पहेलुं छे के माला में कौन कौन से फूल एक रूप है, तो माला में बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली।
अलग अलग फूलों की माला किसका प्रतीक है? तो अहीं जवाब आवशे कि अलग अलग फूलों की माला विविधता में एकता का प्रतीक है। तो अहीं जवाब आवशे विविधता में एकता का प्रतीक है, एकता का प्रतीक है। किसकी कुक न्यारी लगती है? तो ही जवाब आवशे कोयल की। चौथो प्रश्न छे, कविता में कोयल, पपीहा और बुलबुल किसके प्रतीक थे? तो कविता में कोयल, पपीहा, बुलबुल अलग अलग भाषाएं बोलने पर भी एकता के सूत्र में बंधे भारतीयों का प्रतीक थे। तो अहीं जवाब आपणे लखीशुं अलग 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 भाषाएं बोलने पर भी एकता के सूत्र में बंधे भारतीयों का प्रतीक है। इस कविता में किन नदियों का उल्लेख है? तो इस कविता में गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी, जैसी नदियों का उल्लेख है। त्यार पछी नदियों से हमें क्या संदेश मिलता है? तो नदियों से हमें एक होकर रहने का संदेश मिलता है। त्यार पछी प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हमारे भारत देश में विविधता में एकता कैसे है? तो हमारे देश में रंग, रूप, भाषाएं और वेश अनेक है। जैसे तरह तरह के फूलों को गुथने पर एक माला बन जाती है, जैसे सभी नदियां अलग अलग होने पर भी समुद्र में मिलकर एक हो जाती है, उसी प्रकार हमारे देश की विविधता में भी एकता है। राष्ट्र प्रेम की भावना ने सभी को एकता में बांध दिया है। बीजू छे के हिंदुस्तान के निवासी किस प्रकार एक है? तो अलग अलग तरह के फूल माला में गूंथने पर एक हो जाते हैं। पंछियों के बोलने का राग एक सा होता है। सभी नदियां सागर में मिलकर एक हो जाती है। अलग अलग धर्मों का सार तत्व एक है। उसी प्रकार भारत के निवासियों के रंग, रूप, वेशभूषा, भाषा अलग अलग होने पर भी वे एक है। त्रिजू छे कि हिंदवासियों में कैसी विविधताएं हैं? तो हिंदवासी अलग अलग रंग और रूप के हैं। उनका पहनावा अलग अलग है, उनकी भाषा अलग अलग है, वे अलग अलग धर्मों को मानते हैं। इस प्रकार हिंदवासियों में अनेक विविधताएं पाई जाती है। त्यार पछी पेज नंबर 28 में प्रश्न नंबर 6, पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। अहीं उनके आपेलू छे पण अनेक है। तो प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहते हैं कि भारत देश में रहने वाले सभी लोग एक है
रंग रूप वेशभूषा और भाषा भले ही अलग अलग है फिर भी हम सब एक हैं। धर्म है अनेक जिनका सार वही है, पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है। तो प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहते हैं कि हमारे धर्म अनेक है पर उनका सार उनका तत्व एक ही है। सभी के रास्ते अलग अलग है पर सबका लक्ष्य तो एक ही है जो मनुष्य को श्रेष्ठ बनाए। त्यार पछी प्रश्न नंबर 7 सूचना अनुसार लिखिए। अही औरत और लड़की के स्थान पर क्रमशः आदमी और लड़का रखकर परिच्छेद फिर से लिखिए जे आपणे पाठ्यमां आवेलुं हतुं। तो अही आपणे लखीए कि एक मोटा आदमी जा रहा था, पीछे पीछे एक लड़का चल रहा था। लड़की छोटी और पतली थी तो अहीं शुं आवशे, लड़का छोटा और पतला था। औरत को पता चला तो औरत नी जगह शुं लखवानुं छे, आदमी। आदमी को पता चला तो घूर कर बोला ए लड़का, लड़के नी जगह शुं लखवानुं छे, लड़का मेरे पीछे पीछे क्यों चल रहा है, मेरे पीछे पीछे क्यों चल रहा है। लड़का भोलेपन से बोला, मैं तो केवल छांव के नीचे चल रहा था। त्यार पछी प्रश्न नंबर 8 छे, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द दीजिए। अहीं पेलू छे देश, तो समानार्थी शब्द थशे राष्ट्र, पंथ, रास्ता, फूल, तो कुसुम तेनो समानार्थी शब्द थशे कुसुम, निराला तो अनूठा अनूठा, सागर तो समुद्र, धर्म तो मजहब, मंजिल तो ध्येय, प्रगति उन्नति, प्रतीक तो चिन्ह, जन मनुष्य अथवा मानव, सार तत्व
मधुर, मीठा, मुस्कान, तो हंसना, अंतर तो भेद। त्यार पछी समानार्थी शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। पंथ, तो मनुष्य को किसी भी पंथ पर चलने से पहले उसकी पहचान कर लेनी चाहिए। एवी ज रीते आपणे राह अने रास्ता ना आपणे वाक्य लखवाना छे। तो आपणे पेज नंबर 28 पंथ थी छे ए हवे आपणे आगळना विडियोमां लखीशुं। तो आपणे पेज नंबर 28 प्रश्न नंबर 8 सुधी राखीए। अस्तु, जय हिंद, वंदे मातरम।